नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को कई बार बेचा जा रहा था। एक लड़की को तीन तीन बार बेचा गया। ये रिपोर्ट जरा देखिए। भिवानी पुलिस ने मानव तस्करी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने तीन लड़कियों को बरामद किया है जिन्हें आरोपी नौकरी का झांसा देकर अपने साथ लाते थे, फिर 1.5 लाख रुपए में बेच दिया जाता था। कुछ दिन बाद शादी तुड़वा दी जाती थी, फिर इसके बाद कहीं और बेच दिया जाता था। तीन में से दो लड़कियां नाबालिग। मैं अपने घर पे जाने के लिए स्टेशन पे थी, वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला जो मुझे भगा के अपने घर ले गया और उसने मेरे साथ गलत सलत करा और मुझे वो ही लेके गया था, मुझे बेच दिया किसी तीन बार। हाँ, पुलिस ने बताया कि भिवानी के रहने वाले संजय, अन्नू और गाजियाबाद का राजू नामक शख्स लड़कियों को बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर अकेले देखकर उन्हें नौकरी देने के नाम पर पहला फुसला कर अपने घर ले जाते हैं। इसके बाद वो उनसे दुष्कर्म करते और अपने ही घर पर अलग अलग लोगों से पैसे लेकर शादी करवाते। अन्नू वाइफ ऑफ सतीश जो हनुमान डाणी में रहती है, एक संजय नाम का लड़का है, वो बाहर से लड़कियों को लाते हैं और यहाँ पैसे लेकर शादियाँ कराते हैं, जिसकी सूचना पर आज हमने तीन लड़कियों को बरामद किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। माननीय अदालत में उनके बयान कराए गए हैं, अनाथ आश्रम के आदेश किए हैं, वहाँ इनको छोड़ा जाएगा। मामला मानव तस्करी का है, ऐसे में पुलिस काफी गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हरियाणा में पिछले 2 सालों में करीब 3500 बच्चे लापता हुए हैं, इनमें से आधी यानी 1800 के करीब लड़कियां हैं। मानव तस्करी के इस राष्ट्रीय गिरोह के पर्दाफाश होने के बाद पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद सैकड़ों लड़कियों को उनके माता पिता के पास पहुंचाया जा सकेगा। भिवानी से जगवीर गणगस, न्यूज 18 हरियाणा।